हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। माय नेम इज भवानी सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय बीएस केलावत। टुडेज क्लास फॉर द इंग्लिश मीडियम एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक व्हिच इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इन अर्लियर क्लासेज वी कंप्लीटेड अ टू चैप्टर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सेकंड वन इज गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या टॉपिक कवर कर लिए हैं फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में। जो पहला चैप्टर था उसमें हमने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ा था, उसके बाद टाइप ऑफ चार्जेस के बारे में पढ़ा था, उसके बाद हमने फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस या उसे हमने कहा था कूलम्स लॉ, जिसका एक्सप्रेशन हमारे पास आया था के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। उसके बाद हमने फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस या सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ा था, उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का कांसेप्ट पढ़ा था और हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट आर डिस्टेंस हमने एक एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया था जिसका रिजल्ट क्या था एफ के ई इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। मतलब अगर कोई पॉइंट चार्ज है उसके कारण आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है, वो होती है हमारे पास के क्यू बाय आर स्क्वायर, मतलब डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, उसके बाद पॉइंट चार्जेस के पढ़ने के बाद हमने कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना सीखा था और वो हमने सीखा था विद हेल्प ऑफ गॉस लॉ। तो हमने पहले गॉस लॉ पढ़ा, उसके बाद उनकी एप्लीकेशन में हमने क्या सीखा था, तो उसमें हमने कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है, तो वो हमने गॉस लॉ की एप्लीकेशन से कैलकुलेट करना सीखा था। क्लियर है, तो देखिए आज का जो चैप्टर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो प्योरली रिलेटेड है इलेक्ट्रिक फील्ड से। ठीक है, क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड दो क्वांटिटीज है हमारे पास। पहली क्वांटिटी है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरी क्वांटिटी है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम फर्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो अब ये जो नया कंसेप्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो भी इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड है, तो उसको हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज का जो चैप्टर है वो बिल्कुल न्यू चैप्टर है और बिल्कुल न्यू कंसेप्ट है। ठीक है, जो आपकी पहली यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक उसमें चार चैप्टर है, तो दो हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं थर्ड चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और उसके बाद जो चैप्टर नंबर फोर है वो है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, जिसमें हम एक डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे जो कैपेसिटर, जो आप डेली लाइफ में हमारे यूज भी आती है और आपने नाम भी सुन रखा है कैपेसिटर, जो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस के प्रिंसिपल पर डिपेंड होगी। क्लियर है, तो आज हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्टार्ट करने वाले हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को पढ़ने से पहले आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। वो पूरा चैप्टर जो है बिल्कुल उसके सिमिलर ही चैप्टर है, सिर्फ कुछ एक्सप्रेशन चेंज होंगे, मगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कंप्लीट आपको आना चाहिए। ठीक है, उसमें जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं या जितने भी कंसेप्ट हैं वो आपके बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अगर आप डायरेक्टली इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को पढ़ने की कोशिश करोगे तो आपको ज्यादा समझ में नहीं आएगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल में जाएं, प्लेलिस्ट में जाएं और फर्स्ट और सेकंड चैप्टर को सीरियल सीक्वेंस वाइज सारे वीडियोस को देखें, नोट्स बनाएं और उसके बाद आप चैप्टर नंबर थर्ड ट्राई करोगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो काफी ज्यादा आपको इजीली समझ में आ जाएगा। क्लियर है, तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड क्वांटिटीज हैं। सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब उसका मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी, और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो एक स्केलर क्वांटिटी है। और हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इस चैप्टर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझने की कोशिश करेंगे और उसके बाद हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन भी देखेंगे। ठीक है, तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखो पहला जो पॉइंट मैंने लिख रखा है, इन दिस चैप्टर वी रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो क्या करेंगे हम इस चैप्टर में, हम इलेक्ट्रिक फील्ड को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, देखो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है वो धीरे धीरे आज के लेक्चर के एंड तक आपको बिल्कुल कंसेप्ट इसका क्लियर हो जाएगा। बहुत ही इजी कंसेप्ट है, सिर्फ इसे आप समझने की अच्छे से कोशिश करो और वीडियो को आपको बहुत ध्यान से देखना है। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखिए, क्वांटिटी रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक चार्ज कौन कौन सी है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट के अंदर, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम इस चैप्टर नंबर थर्ड के अंदर आज स्टार्ट करने वाले हैं। फाइन, अब देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो क्या मतलब है देखो। तो सबसे पहले तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती थी, और अब हम जो पढ़ेंगे वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे। ये एक वेक्टर क्वांटिटी इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होगी। ठीक है, वेक्टर का मतलब इसका मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। इसमें स्केलर क्वांटिटी का मतलब वो क्वांटिटी जिनकी सिर्फ हम मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं और उसकी हम डायरेक्शन कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, वो स्केलर क्वांटिटी है। तो इसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल थर्ड चैप्टर के अंदर। ठीक है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कह सकते हैं हम इसे, और ये हमें इस चैप्टर नंबर थर्ड के अंदर पढ़ना है, जो एक स्केलर क्वांटिटी होगी। फाइन, अब देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा वो चार्ज के डायरेक्शन के बारे में आपको बताएगा कि चार्ज को किस डायरेक्शन में फ्लो होना है। देखो अगर मेरे पास ये कोई दो, अगर मेरे पास ये दो कोई चार्ज बॉडी है अगर सपोज, ठीक है, और इसको अगर मैं किसी कंडक्टर से मैं अगर कनेक्ट कर दूं, किसी कंडक्टर से इन बॉडी को अगर मैं कनेक्ट कर दूंगा तो इन दोनों बॉडीज के बीच में चार्ज फ्लो होंगे। तो चार्ज किधर फ्लो होंगे, मान लेते हैं ये बॉडी ए है और ये बॉडी बी है, तो इसका पोटेंशियल हम ले लेते हैं वी ए और इसका पोटेंशियल ले लेते हैं वी बी। जिसमें ज्यादा चार्ज होगा, जिस बॉडी के पास ज्यादा चार्ज होगा उसका पोटेंशियल भी ज्यादा होगा। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि वी ए क्या हो गया, वी बी से बड़ा हो गया। तो चार्ज किधर फ्लो होगा, चार्ज फ्लो की जो डायरेक्शन होगी, चार्ज फ्लो फ्रॉम बॉडी ए टू बी, किधर से किधर फ्लो होगा, ए से बी की तरफ चार्ज का फ्लो होगा, क्योंकि ए का पोटेंशियल ज्यादा है और बी का पोटेंशियल कम है। ठीक है, तो आपका इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो होता है वो क्या करता है, चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन को भी डिसाइड करता है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। फाइन, ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल रिलेटेड टू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ये जो मैंने पॉइंट लिख रखा है कि आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड होगा। किससे होगा, पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड, क्योंकि देखो जब मैं आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन बताऊंगा अभी आगे, तो वो क्या होगा, तो वो होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वर्क डन ऑन चार्ज। क्या होता है, वर्क डन ऑन चार्ज। क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो कुछ नहीं होता है, एक इलेक्ट्रिक चार्ज पर किया गया वर्क डन होता है। तो वर्क डन जो होता है वो किसमें स्टोर हो जाएगा, जो वर्क डन होगा एनर्जी की फॉर्म में होता है, और आपको पता है एनर्जी क्या होती है, कंजर्व्ड होती है। एनर्जी क्या होती है, कंजर्व्ड होती है, मतलब इट मींस एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली चेंज फॉर्म वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू द अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्लियर है, तो आपका जो वर्क डन होगा वो एक एनर्जी होगी, तो अगर एनर्जी कंजर्व्ड होती है तो वो वर्क डन जो होगा वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। किसमें हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करेंगे तो हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी की भी बात करेंगे। क्लियर है, और लास्ट पॉइंट जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज एन स्केलर क्वांटिटी। क्लियर है, देखो इस चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक है वो स्टार्ट होता है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है। उससे पहले मैं आपको एक कंसेप्ट समझा रहा हूं कि मेरे पास अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं किसी टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे अगर मूव करता हूं, तो आपको जो वर्क डन करना पड़ेगा उस वर्क डन का क्या फॉर्मूला आएगा वो हम यहां पर अभी कैलकुलेट करेंगे, और उसके बाद हम सिलेबस के अकॉर्डिंग फर्स्ट टॉपिक से हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो ये आपका सिर्फ बेसिक बता रहा हूं मैं अभी आपको, और कुछ देर बाद मैं आपको फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करूंगा। और फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक वर्क डन का कंसेप्ट समझा रहा हूं, ठीक है, और वर्क डन का क्या फॉर्मूला आता है जो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो ये चैप्टर जो है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो कहीं ना कहीं वर्क डन ऑन चार्ज ही होगा। तो पहले हम वर्क डन का फॉर्मूला कैलकुलेट करना चाहते हैं। क्लियर है, इसको आप कॉपी कर लीजिए। मैं आपको वर्क डन ऑन अ टेस्ट चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड बता देता हूं। ठीक है, तो देखिए अब हम एक टॉपिक छोटा सा देख लेते हैं कंसेप्ट वाइज। हम क्या चाहते हैं, हम
इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज को मूव करेंगे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर और हम उसका वर्क डन कैलकुलेट करेंगे, क्लियर है। और वो वर्क डन का फॉर्मूला क्या आएगा वो हमको अभी देखना है, ठीक है। तो इस टॉपिक या इस कंसेप्ट को भी आप अच्छे से देखें, बहुत यूजफुल रहेगा आगे तक आपके लिए, ठीक है। तो देखिए हम क्या चाहते हैं, वर्क डन ऑन टेस्ट चार्ज मूविंग इन इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनादर पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड में है ना, हमको एक वर्क डन कैलकुलेट करना है, एक टेस्ट चार्ज को मूव कराना है इलेक्ट्रिक फील्ड में वन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, और वर्क डन का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना, जब आप इस इलेक्ट्रिक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव करोगे ना, तो विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, आपको काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं करना है, ठीक है। जब उस चार्ज को आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव करोगे तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखिए अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो अगर मेरे पास यहां पर कोई सोर्स चार्ज है, ठीक है, जिसने ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया है ई, ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो गया, ये मेरे पास हो गया है सोर्स चार्ज, क्या हो गया, ये मेरे पास हो गया सोर्स चार्ज। और अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी वो अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज होगी, क्लियर है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अब देखिए इस इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या करना है, आपको एक टेस्ट चार्ज रखना है क्यू नॉट, ठीक है, उस क्यू नॉट को क्या करना है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके आना है। कहां लेके आना है, इस पॉइंट चार्ज को अगर ये पॉइंट ए ले लेते हैं, इस पॉइंट को बी ले लेंगे, तो आपको ए से बी तक लाने में वर्क डन कैलकुलेट करना है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लाएंगे तो कितना वर्क डन करना होगा, मुझे इस वर्क डन का फॉर्मूला निकालना है, ठीक है, वर्क डन हमको कैलकुलेट करना है। अब आप देखो सबसे पहले ये सोर्स चार्ज है और ये क्यू नॉट जो होता है, क्यू नॉट ये टेस्ट चार्ज होता है, क्या होता है टेस्ट चार्ज, इसका नेचर जो होता है वो पॉजिटिव होता है, कौन सा होता है पॉजिटिव होता है, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है नियर अबाउट जीरो होता है, इसका खुद का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। ये टेस्ट चार्ज है तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए इसका यूज करेंगे, तो इसका खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होना चाहिए, इसका यूज हम टेस्टिंग के लिए कर रहे हैं ना। देखो ऐसा कोई रियल में कोई चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता पॉजिटिव चार्ज जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो, मगर ये फिजिक्स के सिर्फ एक कंसेप्ट है जिसको हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। हमको हम एक्सप्रेशन फाइंड आउट करने के लिए हमको अज्यूम करना होगा कि एक टेस्ट चार्ज होगा जिसका नेचर पॉजिटिव होता है और उसका इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होता है या जीरो के नियर अबाउट होता है, ठीक है। अगर देखो इसका खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो ये सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को भी अफेक्ट करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए, इस वजह से हम क्या कहेंगे इस टेस्ट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखो ये अगर सोर्स चार्ज है और अगर ये टेस्ट चार्ज है तो आप देखोगे दो चार्जेस पॉजिटिव नेचर के हैं तो दोनों के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा और ये चार्ज इस पर जो फोर्स लगाएगा उसकी डायरेक्शन किधर हो जाएगी, उसकी डायरेक्शन हो जाएगी ये, ठीक है, और इस फोर्स को नाम दे देंगे हम एफ ई, क्या नाम दे देंगे एफ ई, और इस एफ ई को क्या बोलेंगे हम इलेक्ट्रिक फोर्स, क्या बोलेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स, मतलब ये जो सोर्स चार्ज है वो टेस्ट चार्ज पर एक फोर्स अप्लाई करेगा इस, ठीक है। अब देखो अगर ये चार्ज इस पर फोर्स अप्लाई करेगा तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ हो जाएगी, मगर हमको देखो इस चार्ज को ए से बी तक लाना है तो उस इलेक्ट्रिक फोर्स के अपोजिट आपको एक फोर्स लगाना होगा जिसकी डायरेक्शन हो जाएगी इधर, ठीक है, और इस फोर्स को बोलेंगे हम एफ एक्सटर्नल, ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे एफ एक्सटर्नल, तो ये हो जाएगा आपके पास फोर्स बाय एक्सटर्नल एक्सटर्नल एजेंट विच इज अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फोर्स, जो किसके अपोजिट होगा इलेक्ट्रिक फोर्स के अपोजिट होगा, ठीक है। अब देखो यहां पर मैं एक छोटी सी बात और लिख रहा हूं, उसको ध्यान में रखोगे, जो आपके पास
एफ एक्सटर्नल जो होता है वो इक्वल होगा और अपोजिट होगा एफ ई के, ठीक है। अब आपको एफ ई के इक्वल और अपोजिट एफ एक्सटर्नल फोर्स लगाना है और इस टेस्ट चार्ज को, ये जो है क्यू नॉट, ये एक टेस्ट चार्ज है, क्या हो गया, ये क्या हो गया, टेस्ट चार्ज, क्लियर है। इस टेस्ट चार्ज को आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ए से बी तक मूव कराना है। अब बच्चे क्वेश्चन ये पूछते हैं सर कि अगर एफ ई और एफ एक्सटर्नल बराबर होंगे तो फिर हम इस टेस्ट चार्ज को यहां से यहां कैसे मूव कराएंगे। तो देखो आपको ध्यान रखना है कि जब आप इस टेस्ट चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव करोगे तब काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, आपको प्योर वर्क डन निकालना है यहां से यहां लाने में, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं होना चाहिए। तो अब देखो क्या होता है, ये एफ एक्सटर्नल जो होता है ये सिर्फ स्लाइटली मोर देन इलेक्ट्रिकल फोर्स होता है, मतलब एफ एक्सटर्नल इससे थोड़ा सा बड़ा होगा, तो जब हल्का है ना, स्लाइटली मोर होगा तो इस क्यू नोट को यहां से यहां तक पहुंचने में इनफाइनाइट स्मॉल एलिमेंट्स या इनफाइनाइट स्मॉल डिस्टेंस कवर करनी होगी, मतलब ये एक स्मॉल डिस्टेंस कवर करते हुए आगे आएगा और इनफाइनाइट स्मॉल डिस्टेंस कवर करते हुए बी तक पहुंचेगा। इससे क्या हो जाएगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं होगा तो कोई भी वर्क डन का लॉस नहीं होगा और आपको ए से बी तक जाने में टोटल जो वर्क डन होगा वो आपको मिल जाएगा। देखो अगर आप काइनेटिक एनर्जी में चेंज कर देते हो तो वर्क डन होगा वो लॉस हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी को चेंज करने में, ठीक है। तो आपको ए से बी तक पहुंचने का टोटल वर्क डन होगा वो नहीं मिलेगा। अगर आपको ए से बी तक लाने में टोटल वर्क डन निकालना है तो आपको काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं करना होगा, क्योंकि अगर आप काइनेटिक एनर्जी में चेंज करते हो तो आपका जो वर्क होगा वो कुछ काइनेटिक एनर्जी को चेंज करने में लॉस हो जाएगा, जिससे आप प्योर वर्क डन नहीं निकाल पाओगे, क्लियर है। तो काइनेटिक एनर्जी में कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए, जो मैंने यहां पर भी लिख दिया है, इसको आपको हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखो मैं इसको ए से बी तक ला रहा हूं, तो हम क्या करते हैं, पहले ए से बी तक लाने से पहले हम देखो ये जो वेरिएबल फोर्स है, देखो वेरिएबल फोर्स क्यों है। अब देखो ये प्लस क्यू जो है, इस क्यू पर जो फोर्स लगा रहा है, अब फिर इस ये क्यू नॉट सपोज जब यहां आ जाएगा तो फोर्स चेंज हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि डिस्टेंस के साथ फोर्स वेरी करता है ना। एफ जो होता है वो क्या होता है, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, तो डिस्टेंस वेरी करेगी तो आपका फोर्स भी वेरी करेगा, क्लियर है। तो इसको बोलते हैं वेरिएबल फोर्स, ये एफ एक्सटर्नल जो होगा ये वेरी करेगा। तो वेरिएबल फोर्स से कैसे वर्क डन निकालते हैं, तो पहले हम एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट का वर्क डन निकाल लेंगे, उसके बाद हम उसको इंटीग्रेट कर देंगे जो टोटल पाथ है ए से बी तक का, तो हमको वर्क डन मिल जाएगा, क्लियर है। तो यहां पर देखो वेरिएबल फोर्स है या नहीं, इस क्यू नॉट की डिस्टेंस अभी इतनी है, जब इस क्यू नॉट को यहां लाओगे तो डिस्टेंस वेरी कर जाएगी, फोर्स चेंज हो जाएगा, यहां लाओगे तो फोर्स चेंज हो जाएगा, इसका मतलब डिस्टेंस वेरी करती है। अगर आपकी डिस्टेंस वेरी करती है तो आपका फोर्स भी क्या हो जाएगा, फोर्स भी आपका क्या करेगा, फोर्स भी चेंज होगा, इसका मतलब ये वेरिएबल फोर्स है। और वेरिएबल फोर्स से वर्क डन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो पहले हम क्या करेंगे, यहां पर एक स्मॉल डिस्टेंस लेंगे जिसको मैं ले रहा हूं डी आर, ठीक है, और इस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में जो वर्क डन करना पड़ता है वो हो जाएगा डी डब्ल्यू, हम डी डब्ल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखो वर्क डन इन मूविंग चार्ज, मूविंग टेस्ट चार्ज फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दिया, ठीक है, तो वो हो जाएगा डी डब्ल्यू। डी डब्ल्यू क्या होता है, वर्क डन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए वर्क डन निकालने के लिए कौन सा फोर्स यूज करोगे, वर्क डन निकालने के लिए हम ये फोर्स बाई एक्सटर्नल एजेंट यूज करेंगे, इस बात को ये इलेक्ट्रिकल फोर्स या नहीं लिखोगे, ठीक है ना, ये फोर्स नहीं लिख सकते हो आप, लगा के एक्सटर्नल एजेंट जो फोर्स लगा रहा है उसके कारण ये क्यू नॉट ए से बी पर आ रहा ना, तो यहां पर जो फोर्स लिखा जाएगा वर्क डन में है ना, वो क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स हो जाएगा, क्लियर है। अब देखिए डी डब्ल्यू, अब मुझे टोटल वर्क डन निकालना है, क्या निकालना है, टोटल वर्क डन, तो कैसे निकालोगे, हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे ए से बी तक, क्या से क्या कर देंगे, ए से बी तक इसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, तो डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ये ए से बी। अब मुझे बताओ इस एफ एक्सटर्नल को आप क्या लिख सकते हो, एफ एक्सटर्नल को हम माइनस ऑफ इलेक्ट्रिकल फोर्स लिख सकते हैं, तो माइनस ऑफ इलेक्ट्रिकल फोर्स इन डॉट डी आर, क्लियर है। अब बताओ इस एफ ई की वैल्यू क्या होती है, बताओ एफ ई की वैल्यू, जैसे ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, सपोज ये पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड है ना,
ये इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज मान लो प्लस है माइनस है, ठीक है। अगर यहां पर कोई टेस्ट चार्ज रखा गया है क्यू नॉट, तो इस पर कितना फोर्स लगेगा बताओ, एफ इक्वल टू क्यू नॉट ई, समझ में आ रहा ना, फोर्स ऑन क्यू नॉट इन इलेक्ट्रिक फील्ड ई, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड ई में टेस्ट चार्ज पर कितना फोर्स लगता है, क्यू नॉट ई, ये हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, ठीक है। तो यहां देखो क्या आ जाएगा, W इक्वल टू माइनस ऑफ ए टू बी, एफ ई की वैल्यू क्या होती बताओ, क्यू नॉट ई डॉट डी आर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा। ए से बी तक लाने में आपको इतना वर्क डन करना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, वर्क डन को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपने वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ी हो, क्या पढ़ी हो, वर्क एनर्जी थ्योरम 11th क्लास में पढ़ी हो, तो वो क्या कहती है बताओ, जो वर्क डन होता है, एक वर्क डन जो होता है ना, वो क्या होता है, चेंज इन एनर्जी के बराबर होता है, ठीक है ना, चेंज इन एनर्जी के इक्वल होता है। तो इस वर्क डन को हम क्या लिख सकते हैं, इस W को हम लिख सकते हैं डेल U, चेंज इन एनर्जी, ठीक है, ए बी क्यू नॉट ई डॉट डी आर, ये भी हम लिखा जा सकता है। अब देखो चेंज इन एनर्जी का मतलब यहां की पोटेंशियल एनर्जी हम यू बी ले लें और यहां की पोटेंशियल एनर्जी हम यू ए ले लें, तो इसको चेंज इन एनर्जी को ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, डेल यू, ठीक है। आप चाहो तो इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। आगे देखो, वर्क डन को चेंज इन एनर्जी भी कहते हैं, चेंज इन एनर्जी का मतलब यू बी फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, नेगेटिव ऑफ लाइन इंटीग्रल ए टू बी, टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड डॉट डी आर, ठीक है। तो ये आपका फाइनल वर्क डन आपको मिल जाएगा, क्लियर है। तो ये कंसेप्ट है जो काफी इंपॉर्टेंट है। वर्क डन का फॉर्मूला क्या आता है, तो माइनस लाइन इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी क्यू नॉट ई डॉट डी आर, क्लियर है। अब देखिए, अगर मैं चाहता हूं कि इस बी की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी, ठीक है ना, अगर बी की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है, तो अब अगर मैं इसको अगर जीरो बना दूं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए को जीरो बना दूं, तो मुझे बी पर टोटल पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी। तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी हम देख लेते हैं। इसको अगर आपने कॉपी कर लिया हो तो मैं इसको यहां से रब करूंगा, ठीक है, ताकि मैं आपको पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी निकाल के बता दूं, ठीक है। वर्क डन का फॉर्मूला ये आ गया, वर्क डन किसके बराबर होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है, ठीक है। अब देखो, अब हम क्या चाहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी, क्या चाहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी, ठीक है। तो पॉइंट बी की पोटेंशियल एनर्जी में कैसे निकालोगे, देखो अगर ये मेरा टेस्ट चार्ज था, ठीक है, अगर मैं इस ए वाले पॉइंट को, अगर मैं इस ए वाले पॉइंट को कहां ले जाऊं, इनफाइनाइट पे ले जाऊं, और बी वाले पॉइंट को मैं यहां रखूं अगर सपोज, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी यू बी, और पोटेंशियल एनर्जी एट इनफाइनाइट होती है जीरो, है ना, किसी भी चार्ज के कारण इनफाइनाइट पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी बताओ, जीरो, ये आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। इनफाइनाइट पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, हमेशा जीरो होती है, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, इसको वर्क डन निकालना पड़ेगा आपको इनफाइनाइट से पॉइंट बी तक लाने में, और ये जो होगा इनफाइनाइट से बी तक लाओगे तो यही इस पॉइंट पर क्या स्टोर हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगी। देखो फॉर्मूला क्या है, देखो वर्क डन का, यू बी माइनस यू ए टू बी क्यू नॉट ई डॉट डी आर। अब देखो इसमें अप्लाई करो, वर्क डन जो होगा कहां से कहां तक निकाल रहे हैं हम, ये था ए से बी तक, अब देखो ए वाला पॉइंट कहां चला गया, इनफाइनाइट पे, तो वर्क डन फ्रॉम इनफाइनाइट टू बी, यू बी की पोटेंशियल एनर्जी, बी पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी यू बी हो गया, ए पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, माइनस ऑफ ए पॉइंट इनफाइनाइट पे है बी क्यू नॉट ई डॉट डी आर, तो क्या निकल गया, देखो अगर आप किसी चार्ज को इनफाइनाइट से बी तक लाओगे तो वो उस पॉइंट, जिस पॉइंट तक आप लेके आओगे, इनफाइनाइट से जिस पॉइंट तक आप लेके आओगे, तो इस वो वर्क डन जो होगा आपके पास इनफाइनाइट से बी तक लाने में, वो यहां पर किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट टू बी क्यू नॉट ई डॉट डी आर, ठीक है। तो ये हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी, है ना।
तो किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी अगर आपको निकालनी है तो कैसे कैलकुलेट करोगे? एक टेस्ट चार्ज लोगे, उसको इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक लेके आओगे और उसमें जितना आपको वर्क डन करना पड़ेगा वो वर्क डन किसकी फॉर्म में स्टोर हो जाएगा? उस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। क्लियर है? तो ये अभी तक मैंने जो आपको बताया है वो बिल्कुल मैंने आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का बेसिक बताया है, इसको आप कॉपी कर लो। फिर हम स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है? इसको आप कॉपी करो। तो देखिए अभी मैंने आपको जो बताया है वो बेसिक क्लियर कराया है। उस बेसिक में मैंने आपको बताया है कि कैसे हम किसी टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जो मूव करते हैं कितना वर्क डन करना पड़ता है। वो वर्क डन का फॉर्मूला मैंने अभी आपको कैलकुलेट करके बताया, माइनस ऑफ लाइन इंटीग्रल ए टू बी क्यू नॉट ई डॉट डी आर, ठीक है ना? सर आपने ये क्यों निकाला? तो देखो जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे ना तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है? वर्क डन ऑन अ टेस्ट चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मतलब हम जो पोटेंशियल पढ़ेंगे उसकी डेफिनेशन में क्या आएगा? वर्क डन ऑन टेस्ट चार्ज। तो पहले मैंने आपको वर्क डन कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो बता दिया है, ठीक है? अब देखिए जो आपने वर्क डन कैलकुलेट किया था तो उसमें क्या था? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वहां पर जो फोर्स यूज किया है वो फोर्स बाई एन एक्सटर्नल एजेंट यूज किया है, ठीक है ना? वहां पर आपको इलेक्ट्रिक फोर्स यूज नहीं करना है। क्लियर है? इलेक्ट्रिकल फोर्स क्या था? जो सोर्स चार्ज ने उस टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स लगाया जिसके कारण वो जो टेस्ट चार्ज था वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मूव कर रहा था, मगर हमने उस इलेक्ट्रिक फोर्स के अपोजिट एक फोर्स लगाया जिसको हमने क्या कहा है? फोर्स बाई एन एक्सटर्नल एजेंट कहा है, ठीक है? तो वर्क डन में जो आप फोर्स यूज करोगे वो फोर्स बाई एन एक्सटर्नल एजेंट यूज करोगे। और इलेक्ट्रिक फोर्स और एक्सटर्नल एजेंट जो फोर्स होता है उनमें क्या रिलेशन होता है? तो दोनों इक्वल होंगे और अपोजिट होंगे, ठीक है? और आपको यह भी ध्यान में रखना है कि जब आप कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करोगे तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? क्योंकि हम क्या निकालना चाहते हैं? हम टोटल वर्क डन निकालना चाहेंगे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का। अगर आप काइनेटिक एनर्जी में चेंज करोगे तो आपका कुछ वर्क डन लॉस हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी को चेंज करने में। क्लियर है? तो काइनेटिक एनर्जी में भी चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब उस चार्ज पर कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए, नो चेंज इन वेलोसिटी, फाइन। अब देखिए हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के हर पॉइंट पर एक पोटेंशियल होगा, एक पावर होगी। मतलब अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज को मूव करोगे तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा और वो जो वर्क डन होगा वो उस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा और वही उस पॉइंट का क्या होता है? पोटेंशियल होता है, ठीक है ना? अब देखिए पोटेंशियल को पढ़ने से पहले हम एक टर्म पढ़ेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में हम कोई दो पॉइंट लेंगे और दोनों पॉइंट पर, पहले वाले पॉइंट पर फर्स्ट पोटेंशियल होगा, सेकंड पोटेंशियल होगा, तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए हम दोनों को माइनस कर देंगे और पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे और उसके बाद हम किसी एक का पोटेंशियल जीरो कर देंगे जिससे हमें क्या मिल जाएगा? उस पॉइंट का पोटेंशियल मिल जाएगा या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिल जाएगा। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ने से पहले मैं आपको पोटेंशियल डिफरेंस को समझा रहा हूं, आराम से समझना इसको। क्या करना है? एक स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड लेना है, उस स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको एक टेस्ट चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मूव करवाना है और उस टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव करवाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा वो ही उन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। क्लियर है? वर्क डन टू मूविंग अ टेस्ट चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पॉइंट ए टू बी इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन अ टू पॉइंट, है ना? और इसके लिए क्या ध्यान में रखना है कि काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं होना चाहिए और जो फोर्स होगा वो एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स होना चाहिए। क्लियर है? देखो इस डेफिनेशन को हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे। देखो डेफिनेशन क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन अ टू पॉइंट इन अ स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूविंग अ यूनिट चार्ज टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विथ नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। आपको काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं करना है। अब देखो क्या करते हैं हम, यहां पर मैं लेता हूं एक सोर्स चार्ज, ठीक है, और इस सोर्स चार्ज से बनने वाला ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ठीक है।
ये आपका स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया, स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्या करना है आपको, वर्क डन निकालना है। किसका वर्क डन? यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज का। तो हम क्या करेंगे, एक टेस्ट चार्ज लेंगे किसी पॉइंट पर, जैसे कि इस पॉइंट पर मैंने टेस्ट चार्ज लिया और इसको मैंने क्या करा दिया, ए पॉइंट से इस पॉइंट को ए ले लेंगे, इस पॉइंट को बी ले लेंगे। तो आपको ए से बी तक का वर्क डन निकालना है, तो इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। क्लियर है? हम मान लेते हैं इस बी पॉइंट का पोटेंशियल जो है वो बी है, वी बी है, और ए पॉइंट का पोटेंशियल है वी ए। क्लियर है? अब आप देखोगे ये आपका सोर्स चार्ज है, ठीक है, और ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और ये आपका टेस्ट चार्ज हो गया, ठीक है। इस टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करना है, ठीक है, विथ, देखो, नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जब आप इस चार्ज को मूव करोगे तो नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होना चाहिए, ये बात भी आप ध्यान रखोगे, ठीक है। अब देखो ये जो सोर्स चार्ज है इसके कारण इस पर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा एफ ई, और इस एफ ई के अपोजिट आपको एक फोर्स लगाना है एफ एक्सटर्नल, ठीक है, और एफ एक्सटर्नल जो होता है वो माइनस ऑफ एफ ई होता है, ठीक है। दोनों क्या होते हैं, इक्वल एंड अपोजिट होता है, क्लियर है। तो इस चार्ज को हम जब यहां से यहां मूव करेंगे तो आपको इनफाइनाइट स्मॉल डिस्टेंस मूव करते हुए यहां आना होगा, जिससे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं होगा। हमको क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो वर्क डन निकालना होगा। देखो ये इनिशियल पोटेंशियल हो गया, ठीक है, और ये आपका फाइनल पोटेंशियल हो गया। हमको क्या निकालना है, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, इसी को तो बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस की क्या डेफिनेशन आती है बताओ, तो वर्क डन फ्रॉम ए टू बी इन इलेक्ट्रिक फील्ड, और किस पे किया गया वर्क डन है, टेस्ट चार्ज पर वर्क डन, ठीक है। तो ये आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। तो देखो इसको ध्यान से, वर्क डन ऑन टेस्ट चार्ज, वर्क डन ये तो हो गया वर्क डन, और ये क्या हो गया, वर्क डन ऑन टेस्ट चार्ज, वर्क डन ऑन अ टेस्ट चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पॉइंट ए टू बी या वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो मतलब किसी टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जो ले जाने में जो वर्क डन होता है वो ही उन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है। फाइन, एक बात आपको यह भी ध्यान में रखनी है, ये जो वर्क डन करेगा ये आपका एक्सटर्नल एजेंट करेगा, ठीक है ना। ये वर्क डन इस फोर्स से नहीं होता है, ये फोर्स से वर्क डन होगा, क्लियर है। तो ये हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन इसमें ये पूछते हैं, व्हाई नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्या पूछा जाता है कि काइनेटिक एनर्जी में चेंज क्यों नहीं होगा, ठीक है। इफ हम लिखेंगे, देखो, इफ देयर इज चेंज इन, देयर इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, सो सम वर्क विल लॉस इन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, सो तो क्या होगा, कुछ वर्क डन किसमें लॉस हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी को चेंज करने में लॉस हो जाएगा। और ये जो डेफिनेशन है यही रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि डेफिनेशन में है क्या है, तो आपको टोटल वर्क डन निकालना है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में आने के लिए, क्लियर है। अब देखिए हम और क्या निकाल सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस हमने निकाल लिया, अब देखो हम इसकी यूनिट और डायमेंशन निकालेंगे, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला वी बी माइनस वी ए डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट, ठीक है। अब देखो इसको हम लिख सकते हैं डेल वी पोटेंशियल डिफरेंस ए से बी अपॉन क्यू नॉट। अब इसकी यूनिट चाहिए ना, तो देखो यूनिट के लिए क्या करोगे, वर्क की क्या होती है बताओ, जूल, और इसकी क्या होती है, कूलम, तो इसका हो जाएगा जूल पर कूलम, ठीक है। आप वर्क को क्या लिख सकते हो, एक और यूनिट ला सकते हो, वर्क को लिखते हैं हम फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन, ये हो जाएगा चार्ज क्यू नॉट, तो फोर्स को लिखते हैं न्यूटन मीटर अपॉन कूलम, ठीक है ना। ये भी यूनिट हो सकती है आपकी पोटेंशियल डिफरेंस की, ठीक है। अब हम निकालते हैं इसका डाइमेंशनल फॉर्मूला, डाइमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालोगे बताओ, वी बी माइनस वी ए, ठीक है, डेल वी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, यही होता है ना। वर्क को क्या लिखते हैं बताओ, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और क्यू को क्या लिखते हैं, आई बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन टी, तो क्यू क्या हो जाएगा, आई इंटू टी, क्या हो जाएगा, आई इंटू टी। फोर्स को क्या लिखते हैं बताओ, फोर्स होता है हमारे पास मास इंटू एक्सीलरेशन, फोर्स हो जाएगा मास इंटू एक्सीलरेशन,
और ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। आई को हम लिखते हैं एम्पियर में, टाइम को हम लिखते हैं सेकंड में, ठीक है। अब बताओ मास को किसमें लिखते हैं, किलोग्राम में। एक्सीलेशन क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट को किसमें लिखते हैं, मीटर में। ये हो जाएगा आपके पास एम्पियर और ये हो जाएगा हमारे पास सेकंड। इसको हम कंबाइन कर लेंगे, ये आ गया किलोग्राम, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, सेकंड पावर टू एंड पावर वन, तो सेकंड की पावर थ्री हो जाएगी। इसको ऊपर मूव करेंगे तो माइनस थ्री, और एम्पियर को ऊपर भेजेंगे, एम्पियर की पावर माइनस वन, ठीक है। यहां देखो एम एल टी ए, एम की पावर कितनी है, मास की वन, लेंथ की आई पावर टू, टाइम की माइनस थ्री, और एम्पियर की करंट की डायमेंशन आई माइनस वन। तो क्या हो गया, एम वन एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस वन, क्लियर है। और ये हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस का कंसेप्ट था। तो देखो एक शॉर्ट में मैं बता देता हूं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में मूव करने में जो वर्क डन होगा, वही उन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। इसके लिए दो पॉइंट याद रखना है। पहले तो उस टेस्ट चार्ज को जब आप मूव करोगे तो विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होना चाहिए, और जो दूसरा जो पॉइंट है वो वर्क डन जो होगा, तो वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट होना चाहिए, है ना। वो एक्सटर्नल एजेंट का जो फोर्स होगा उसका वर्क डन होना चाहिए, क्लियर है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होगा वो वी बी, यहां पर होगा फाइनल पोटेंशियल, इनिशियल पोटेंशियल, जहां से जहां आप इस चार्ज को लेके आओगे, तो ये फाइनल पोटेंशियल, ये इनिशियल पोटेंशियल, डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट। और आपको याद हो तो मैंने अभी आपको इस डब्ल्यू ए बी का फॉर्मूला निकाल के बताया है। डब्ल्यू ए बी को क्या लिख सकते हो आप, इस डब्ल्यू ए बी की जगह आप दो चीजें और लिख सकते हो। देखो डब्ल्यू ए बी की जगह आप चेंज इन एनर्जी लिख सकते हो, यू बी माइनस यू ए, और आप इस डब्ल्यू ए बी का एक और फॉर्मूला लिख सकते हो, ए से बी क्यू नॉट ई ई डॉट डी आर, ठीक है। जैसा आपको कंफर्टेबल लगे, इस डब्ल्यू ए बी की जगह हम यू बी माइनस यू ए बी लिख सकते हैं, और नेगेटिव ऑफ ए बी क्यू नॉट ई डॉट डी आर भी लिख सकते हैं, क्लियर है। तो ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखो हमको निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो पोटेंशियल डिफरेंस तो क्या हुआ, दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस हो गया, मगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा वो एक पॉइंट का पोटेंशियल होना चाहिए। तो अगर मेरे पास देखो फॉर्मूला, अगर ये है वी बी माइनस वी ए, अगर इसके इस वी ए को मैं जीरो कर दूं, है ना, ए पॉइंट के पोटेंशियल को मैं किसी भी तरह से अगर जीरो कर लूं, तो क्या मुझे बी का पोटेंशियल नहीं मिल जाएगा, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, वी ए को जीरो बना देंगे, जिससे हमको क्या मिल जाएगा, बी पर पोटेंशियल मिल जाएगा या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिल जाएगा, क्लियर है। इसे आप कॉपी कीजिए, फिर मैं आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बताता हूं। तो देखो अभी हमने जो कंसेप्ट पढ़ा है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का पढ़ा है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हमने क्या कैसे कैलकुलेट किया था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए जो वर्क डन हमें करना पड़ा था, वो ही उन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है, ठीक है। मतलब एक टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए जो हमें वर्क डन करना पड़ेगा, वो ही उन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है। जब हम ये वर्क डन करेंगे तो वर्क डन कौन करेगा, वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट आप एक फोर्स लगाओगे, जिसको हम बोलते हैं फोर्स बाय एन एक्सटर्नल एजेंट। तो जो वर्क डन निकालोगे उसमें आपको जो फोर्स यूज करना है वो एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स यूज करना है, ठीक है। और एक्सटर्नल एजेंट का जो फोर्स होगा विच इज अपोजिट टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्लियर है। और दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना होगा कि व्हेन वी मूविंग द चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, देर इज नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इफ देर इज एनी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इट मीन्स स्मॉल वर्क डन विल चेंज इन टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मतलब जो आपका कुछ काम वर्क डन जो होगा वो काइनेटिक एनर्जी को चेंज करने में लॉस्ट हो जाएगा, जिससे हमको प्योर वर्क डन नहीं मिलेगा, जिससे उसकी डेफिनेशन इनकरेक्ट हो जाएगी, क्लियर है। तो आपको पहले डेफिनेशन पे ध्यान देना है कि डेफिनेशन क्या कह रही है। बहुत सारी बुकों में काइनेटिक एनर्जी वाली बात भी नहीं लिखी होती है और वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट भी नहीं लिखा होता है, तो आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। अब देखिए अगर पोटेंशियल डिफरेंस का आपने फॉर्मूला देखा था, तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला आया था वी बी फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन बाय एन टेस्ट चार्ज फ्रॉम ए टू बी, यही तो आया था पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला, ठीक है।
अब देखो मैं क्या चाहता हूं, मैं अगर B का पोटेंशियल निकालना चाहता हूं, अगर मैं VO को जीरो कर दूं, क्या कर दूं, VA को अगर आप जीरो कर दो तो हमें क्या मिल जाएगा, B का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिल जाएगा। तो इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी चेंज होगी। कैसे होगी चेंज, पहले इस डायग्राम को ध्यान से देखो या इस डेफिनेशन को देख लो। चलो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज, क्या होता है, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू डेट पॉइंट। तो अब क्या करना है आपको, एक टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक लाना है और उसमें जो वर्क डन होगा वो ही उस पॉइंट का क्या हो जाएगा, पोटेंशियल हो जाएगा। मतलब एक टेस्ट चार्ज देना है, उसको इनफाइनाइट पे ले जाना है, इनफाइनाइट से उस टेस्ट चार्ज को मूव कराते हुए कहां तक लाना है, इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक लाना है और उसमें जो वर्क डन होगा फ्रॉम इनफाइनाइट टू डेट पॉइंट इज नोन एज अ पोटेंशियल ऑफ एट दैट पॉइंट। समझ में आ रहा ना, इसको मैं डायग्राम से भी समझा दूंगा अभी। और वो कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है कि काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं होना चाहिए। देखो, अगर ये मेरा एक सोर्स चार्ज है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है इनफाइनाइट तक, ठीक है, हमने अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड, अब देखिए मैंने जो बी पॉइंट लिया है वो यहां पर लिया है और इसका पोटेंशियल हमने अज्यूम कर लिया है वीबी, ठीक है। अब देखिए ये जो ए पॉइंट है इसको आप कहां पे ले गए हो, इनफाइनाइट पे, और इनफाइनाइट पर जो पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, जीरो होता है, ये आपको अज्यूम करना है, ठीक है। ये फिजिक्स का कंसेप्ट है, या इस चीज को समझने के लिए, पोटेंशियल को समझने के लिए आपको ये ध्यान में रखना होगा कि किसी भी चार्ज के कारण इनफाइनाइट पर जो पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, जीरो होता है, ठीक है। इसको मैं आगे, हमारा कुछ डेरिवेशन आएंगे वहां से हम इसको जस्टिफाई भी कर सकते हैं, पर इसमें अज्यूम किया गया है कि इनफाइनाइट पर पोटेंशियल कितना होता है, जीरो होता है, हमेशा जीरो होता है, ठीक है। अगर आप कोई न्यूमेरिकल भी करोगे तो उसमें स्पेसिफाई होता है कि लेट द पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज जीरो, मतलब इनफाइनाइट पर पोटेंशियल कितना होता है, जीरो होता है, ठीक है। अब देखो क्या करना है, यहां पर एक टेस्ट चार्ज लेना है, क्यू नॉट, उस टेस्ट चार्ज को यहां से यहां तक लेके आना है। समझ में आ रहा है, मतलब टेस्ट चार्ज को लाना है कहां से, इनफाइनाइट से इस बी पॉइंट तक, और इसमें जो वर्क डन करना पड़ेगा इनफाइनाइट से बी तक लाने में वो ही इस पॉइंट का क्या हो जाएगा, पोटेंशियल हो जाएगा, ठीक है। तो हम यही तो पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट कैसे निकालते हैं। तो देखो इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो, है ना, तो वर्क डन टू ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, द टोटल वर्क डन इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, है ना, और विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड वर्क डन जो होगा विच इज अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, क्लियर है। अब देखो यहां पर देखो वीबी का पोटेंशियल वीबी है, इनफाइनाइट पर पोटेंशियल जीरो होता है, चार्ज को कहां से कहां लेके आए, इनफाइनाइट से पॉइंट बी तक लेके आए और क्यू नोट के लेके आए। तो देखो वी पोटेंशियल एट बी क्या आ गया, इनफाइनाइट टू बी अपॉन क्यू नोट, क्लियर है। तो ये हो गया पोटेंशियल एट पॉइंट बी। तो पोटेंशियल किसी पॉइंट पर कैसे कैलकुलेट करोगे, आज के बाद आपको एक टेस्ट चार्ज लेना है, उसको इनफाइनाइट से उस पॉइंट तक लाना है जिस पॉइंट पर आपको पोटेंशियल पूछा गया है, और इनफाइनाइट से उस पॉइंट तक लाने में जो टोटल वर्क डन होगा वो ही उस पॉइंट का क्या हो जाएगा, पोटेंशियल हो जाएगा, क्लियर है। तो फाइनली पोटेंशियल का फॉर्मूला हमें क्या मिल गया, देखो तो वीबी हमने जो निकाला है, पोटेंशियल एट बी क्या आया, वर्क डन निकाला आपने, कहां से लेके आया चार्ज को, इनफाइनाइट से कहां तक लेके आए, बी पॉइंट तक, और किसको लेके आए, इस टेस्ट चार्ज को, क्लियर है, समझ में आ रहा है टेस्ट चार्ज। तो ये हो गया वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है, और ये हो गया आपका टेस्ट चार्ज, क्या हो गया, जिसका नेचर होता है पॉजिटिव, क्लियर है। अच्छा, इसकी भी हम क्या निकालेंगे, तो देखो इसको शॉर्ट में कैसे डेफिनेशन लिखोगे, वर्क डन बाय टेस्ट चार्ज, वर्क डन बाय टेस्ट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और क्या रखना है, विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये बात भी ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो कैसे भी आप इस डेफिनेशन में लिख सकते हो, मगर आपको ध्यान में ये रखना है कि आपको इनफाइनाइट से उस पॉइंट तक उस चार्ज को लेके आना है और उसमें जो वर्क डन होगा वो ही उस पॉइंट का क्या हो जाएगा, पोटेंशियल हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी यूनिट की, तो यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला बिल्कुल सेम होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जैसे ही होगा बिल्कुल। देखो इसका वर्क का हो गया, तो वर्क का हो जाएगा जूल, और इसका हो गया कूलम,
एक फॉर्मूला और बन सकता है, वर्क को हम लिखते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब न्यूटन मीटर पर कूलम। क्लियर है? अच्छा, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला मैं वापस निकालना सिखा देता हूं। देखो, V इक्वल टू क्या हो गया, W अपॉन Q। W क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और Q क्या होता है, I इंटू टी। यस और नो, I इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन टी, तो Q क्या हो जाएगा, I इंटू टी। फोर्स को किस में लिखते हैं, F इक्वल टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, F इक्वल टू क्या होता है, एम ए, ठीक है। और ये डिस्प्लेसमेंट डी हो गया। आई को किस में लिखोगे, एम्पियर में। टाइम को किसके लिखोगे, सेकंड में। सबको लिख लो, एम की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम। एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मीटर अपॉन में क्या है, एम्पियर इंटू सेकंड। इसको वन लाइन में लिख लो, किलोग्राम मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। नीचे क्या आ जाएगा, सेकंड की पावर टू और वन, तो सेकंड की पावर थ्री और एक हो जाएगा एम्पियर की पावर वन, ठीक है। तो इसको कंबाइन कर लेंगे हम, किलोग्राम इसको ऊपर ट्रांसफर करेंगे, माइनस थ्री और एम्पियर की पावर माइनस वन, ठीक है। यहां से आपको एम एल टी ए मिल जाएगा। ये डायमेंशनल फॉर्मूला, मास की डायमेंशन वन, लेंथ की डायमेंशन टू, टाइम की माइनस थ्री और करंट की माइनस वन, तो ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। और आपको ये ध्यान रखना है, ये होता है, ये स्केलर क्वांटिटी, क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, ठीक है। तो जब भी आपको किसी चार्ज का यूज करना होगा तो चार्ज को साइन के साथ रखना है, ये ध्यान रखना। इस पूरे चैप्टर में आपको, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, तो आपको चार्ज को हमेशा किसमें रखना होगा, विथ साइन रखना होगा। किसी भी न्यूमेरिकल या किसी भी फॉर्मूले में कुछ भी आता है, अगर चार्ज माइनस में दे रखा है तो माइनस लिखोगे, प्लस में दे रखा हो तो प्लस में लिखोगे, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है। अगर वेक्टर होती है तो डायरेक्शन से हम चेक कर लेते हैं, मगर यहां पर आपको साइन का हमेशा यूज करना है। जब भी हम देखो, जैसे कि किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल, सपोज यहां पर इस चार्ज के कारण यहां पर V1 है, ये V2 है, ये V3 है, जब हम इसका एल्जेब्रिक सम करेंगे ना, तो यहां आपको चार्ज का नेचर देखना है। अगर प्लस में होगा तो पोटेंशियल प्लस में होगा, और माइनस में होगा तो पोटेंशियल भी किस में होगा, माइनस में होगा। क्लियर है? तो ये हो गया आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पोटेंशियल डिफरेंस को समझना है, और उसके बाद हम एक पोटेंशियल को, जब हम किसी चार्ज को इनफाइनाइट पे ले जाएंगे ना, तो किसी सोर्स चार्ज के कारण इनफाइनाइट पर पोटेंशियल कितना होता है, जीरो होता है, ठीक है। ये अजम्पशन है, इसको मानना पड़ेगा इस टॉपिक को समझने के लिए। क्लियर है? और बाद में एक फॉर्मूला आएगा, वहां से हम इसकी वैल्यू रख के भी हम बता देंगे बाद में कि कैसे हम इनफाइनाइट को, पोटेंशियल को हम जीरो लिखते हैं। क्लियर है? तो ये जो था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल के बारे में था, और मैं पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल करा देता हूं, जिससे आपको एक टॉपिक और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसको आप कॉपी कर लीजिए। देखो, अब पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल हम देख लेते हैं। टेक्स्ट बुक का जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है वो क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ प्लेस इज -15 वोल्ट एंड एट सम अदर प्लेस इज V वोल्ट। इफ द वर्क डन इन टेकिंग अ चार्ज ऑफ 6 कूलम फ्रॉम फर्स्ट प्लेस टू सेकंड प्लेस इज 150 जूल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ V। क्या बोला गया है कि आपको ये दो पॉइंट लिख रखे हैं, पहले पॉइंट का पोटेंशियल -15 वोल्ट दे रखा है और सेकंड पॉइंट का पोटेंशियल V दे रखा है। आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट जाने में टोटल जो वर्क डन करना पड़ता है वो 150 जूल करना पड़ता है, और जो चार्ज आप यहां से यहां मूव करोगे है ना, उस चार्ज की जो वैल्यू है दैट इज 6 कूलम ऑफ चार्ज है, ठीक है। हमको निकालना है इस V का कितना पोटेंशियल है, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन क्या कहती है, देखो, तो पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन कहती है फाइनल पोटेंशियल, तो पोटेंशियल एट B, VB माइनस पोटेंशियल एट A, वर्क डन फ्रॉम A टू B, और किसके किसके ऊपर, टेस्ट चार्ज। VB की वैल्यू कितनी बताओ, VB की वैल्यू है V वोल्ट, माइनस VA की वैल्यू है -15 वोल्ट, वर्क डन कितना करना पड़ा है 150 अपॉन टेस्ट चार्ज की वैल्यू कितनी है 6 कूलम, माइनस माइनस प्लस 15, 150 अपॉन 6 होता है 25, तो V कितना आ जाएगा 25 माइनस 15, तो V की वैल्यू आ गई हमारे पास 10 वोल्ट, कितना आ गया 10 वोल्ट आ गया। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है,
बस आपको ध्यान में रखना है फॉर्मूले में फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल आना चाहिए, क्योंकि आपने चार्ज को कहां मूव किया है, पॉइंट ए से बी, तो फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल वर्क डन फ्रॉम ए टू बी ऑफ टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, और यहां पर क्यू नॉट की वैल्यू 6 कूलम दे रखी, क्लियर है? ओके, ये फर्स्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। देखो द वर्क डन इन टेकिंग अ 20 कूलम चार्ज फ्रॉम ए टू बी, क्या करना है, एक चार्ज को आपको कहां से कहां मूव करना है, ए से बी पर मूव करना है। हम मान लेंगे यहां का पोटेंशियल वी ए है और यहां का पोटेंशियल वी बी है, ठीक है? ओके, अब देखिए कितना चार्ज मूव कर रहे हो, तो 20 कूलम चार्ज मूव करेंगे हम यहां से यहां तक, क्लियर है? टोटल डिस्टेंस कितनी है इन दोनों पॉइंट के बीच में, तो डिस्टेंस है 0.2 मीटर होगी, क्लियर है? और जो वर्क डन करना पड़ा है वो कितना करना पड़ा है, 2 जूल करना पड़ा है। और आपसे क्या पूछा गया है, व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट, तो आपको दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है। तो बताओ फाइनल पोटेंशियल कितना हो गया, वी बी, इनिशियल पोटेंशियल हो गया वी ए, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी अपॉन टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, ठीक है? तो आपसे वी बी माइनस वी ए ही तो पूछा गया, पोटेंशियल डिफरेंस कितना वर्क डन करना पड़ा ए से बी तक, 2 जूल, और चार्ज जो आप मूव कर रहे हो कितना हो गया, 20, ये हो गया 1/10, तो 0.1 वोल्ट, ठीक है? ये आपका दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आ गया है, ठीक है? तो इस तरह के न्यूमेरिकल पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर जो न्यूमेरिकल बनते हैं वो नेक्स्ट क्लास कुछ टॉपिक बढ़ाने के बाद हम करेंगे, बहुत अच्छे न्यूमेरिकल बनते हैं, जस्ट सिमिलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर के जो न्यूमेरिकल थे उसके बिल्कुल सिमिलर न्यूमेरिकल है, ठीक है? फॉर्मूले में चेंजेस आएंगे, वो वेक्टर क्वांटिटी इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है? इस पर भी एज इट इज वैसे ही न्यूमेरिकल बनेंगे। अब एक क्वेश्चन ये है कि सर इसमें इसके डिस्टेंस क्यों दे रखी, यही क्वेश्चन है। देखो डिस्टेंस का कोई यूज नहीं होगा, देखो अगर आप इस चार्ज को इस पाथ से लेके जा रहे हो तो भी वर्क डन 2 जूल ही होगा, इस पास से लेके जाओगे तो भी वर्क डन 2 जूल होगा, और इस पास से लेके जाओगे तो भी कितना होगा, 2 जूल ही होगा। सर ऐसा क्यों, क्योंकि इसका रीजन देख लो, वैसे मैं आगे पढ़ाऊंगा और, पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो होता है वो क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है? और फोर्स भी किस तरह का होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है, ठीक है? इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है ना वो कंजर्वेटिव होता है, या फील्ड भी कंजर्वेटिव होती है, ठीक है? और कोई कंजर्वेटिव फोर्स अगर कोई वर्क डन करेगा, जो क्या होता है, ये वर्क डन होता है कंजर्वेटिव फोर्स का, वो क्या होता है, पाथ इनडिपेंडेंट होता है, क्या होता है, पाथ इनडिपेंडेंट होता है, मतलब कंजर्वेटिव फोर्स जो वर्क डन करता है वो पाथ इनडिपेंडेंट होता है, मतलब पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है ना? क्या मतलब है, मतलब जैसे कि अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहां प्रेजेंट है सपोज, और आपको एक चार्ज को ए से बी तक ले जाना है सपोज, तो चाहे मैं इस पाथ से जाऊं, चाहे इस पाथ से जाऊं, चाहे इस पाथ से जाऊं, तीनों पाथ में W1, W2 और W3 होंगे, वो इक्वल होंगे, क्योंकि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है, ठीक है? और कंजर्वेटिव फोर्स में जो लूप में जो वर्क डन होता है, सपोज मैं ए से बी पर गया मानो इस पाथ से, और बी से ए आया इस पाथ से, ठीक है? तो दोनों बराबर होंगे, डब्ल्यू ए बी और अगर डब्ल्यू बी ए को जोड़ोगे तो टोटल वर्क डन कितना आएगा, 0 होगा, मतलब कंजर्वेटिव फोर्स का जो लूप के अंदर जो वर्क डन होता है वो 0 होता है, मतलब पाथ इनडिपेंडेंट है, किसी भी पाथ के थ्रू जाओगे तो सेम वर्क डन होगा। ये जैसे कि आपका ग्रेविटेशनल फील्ड जो था वो भी आपका क्या था, कंजर्वेटिव फील्ड था, और उसमें भी जो फोर्स थी वो कंजर्वेटिव फोर्स ही थी उसपे, है ना? देखो जैसे कि ग्रेविटेशनल फील्ड में आपने देखा होगा कि जैसे कि ये मेरे पास कोई हाइट है, ठीक है, ये अगर अर्थ है, एक ऑब्जेक्ट को मैं यहां से यहां ऐसे लेके गया, एक ऑब्जेक्ट को यहां से लेके गया और एक ऑब्जेक्ट को ऐसे लेके गया, तीनों की देखो डिस्टेंस अलग अलग ट्रेवल करी है, पर अर्थ से इसकी हाइट कितनी होगी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी यहां पर हो जाएगी mgh, इसकी भी हो जाएगी mgh और इसकी भी हो जाएगी mgh, तो आपको वर्क डन क्या करना, वर्क डन क्या हो जाएगा, सेम ही होगा। ये पाथ इंडिपेंडेंट होता है ग्रेविटेशनल फील्ड भी, क्लियर है? एक वो स्प्रिंग वाला जो फोर्स था वो भी किसमें आता है, कंजर्वेटिव फोर्स में आता है। सर कौन सा फोर्स नहीं आता है, तो जैसे कि आपका जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है, जैसे कि मैं एक बॉडी को यहां से यहां मूव करता हूं इस पाथ से, और दूसरी बॉडी को यहां से यहां मूव करता हूं, ठीक है? एक बार ऐसे गया मैं पहले पाथ से दूसरे पाथ से आया,
तो अगर मैं फ्रिक्शनल फोर्स देखूंगा तो दोनों के लिए फ्रिक्शनल फोर्स अलग अलग होंगे। तो फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वो कंजर्वेटिव नहीं होता है, जबकि ग्रेविटेशनल फील्ड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है ना, ये सारे किसमें होते हैं? कंजर्वेटिव होते हैं। और कंजर्वेटिव का मतलब होता है पाथ इंडिपेंडेंट, वर्क डन जो होगा वो पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा। क्लियर है? तो ये आज की जो क्लास थी उसमें मैंने आपको सिर्फ अपनी सिलेबस का पहला टॉपिक पढ़ाया है, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, और इस पे मैंने दो टेक्स्ट बुक के न्यूमेरिकल करवाए हैं। ठीक है, अगली क्लास से हम इसके आगे से स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन देखेंगे, और किसी चार्ज के कारण आर डिस्टेंस पर कितना पोटेंशियल स्टोर्ड होता है वो भी देखेंगे। क्लियर है? तो आज की क्लास हम यही खत्म कर रहे हैं। तो आप सब घर पे रहिए, सेफ रहिए, पढ़ाई करते रहिए। किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप जरूर शेयर करें मुझसे। ठीक है, थैंक यू सो मच।